Hello friends, welcome to our channel Intensive Study. We have been continuing the topic of ratio and proportion of class 6th maths and CERT. हम class 6 की maths कर रहे हैं जिसमें हम ratio and proportion जिसे हिंदी में अनुपात एवं समानुपात कहते हैं इस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं. आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8th, 9th और 10th सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8th को रीड कर लेते हैं. In a year, Seema earns ₹1,50,000 and saves ₹50,000. Find the ratio of A. Money that Seema earns to the money she saves. B. Money that she saves to the money she spends. देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि इन अ ईयर यानी एक साल में मीना 1,50,000 अर्न करती है यानी कमाती है. इसी 1,50,000 में से वो 50,000 सेव कर लेती है. तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे हम स्टेटमेंट्स में लिख लेते हैं. सो हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं. मीना अर्न्स इन अ ईयर. मीना अर्न्स इन अ ईयर इज इक्वल टू रुपीज 1,50,000. एक साल में मीना कितने रुपए अर्न करती है, कितना कमाती है? 1,50,000. 1,50,000. शी सेव्स, वो कितने रुपए बचाती है? इज इक्वल टू रुपीज 50,000. तो देखिए जैसे आपको ये दो इन्फॉर्मेशन दी गई है तो इसी के बेसिस पे आप थर्ड इन्फॉर्मेशन खुद से फाइंड कर सकते हैं. एक साल में वो 1,50,000 रुपए कमाती है जिसमें से 50,000 वो सेव करती है, बचाती है, तो कुछ खर्च भी तो करती होगी. तो ये हमें कैसे पता चलेगा? बहुत ही सिंपल है, हम इस 1,50,000 में से 50,000 को माइनस कर लेंगे. शी स्पेंड्स यानी वो खर्च करती है. खर्च कितना करती है? 1,50,000 में से 50,000 को माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? देखिए अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, 0,000, 0,000, 5 - 5, 0 और 1 एज इट इज, यानी वो कितने रुपए खर्च करती है? 1,00,000 वो खर्च कर देती है. ओके, तो अब हम बहुत इजीली ए और बी पार्ट का रेशो फाइंड कर सकते हैं. ए पार्ट में हमें कहा गया है फाइंड द रेशो ऑफ मनी दैट. देखिए ये जो नाम है ना, यहाँ पे इसका नाम मीना नहीं सीमा है, बट कोई बात नहीं, इतना नाउन में चलता है. हमारे जो डिजिट्स है वो बिल्कुल सेम है. सो द रेशो ऑफ मनी दैट मीना earns to the money she saves. She saves is equal to, हमें रेशो फाइंड करना है मनी शी अर्न्स टू द मनी शी सेव्स. उसकी अर्निंग और उसकी सेविंग्स दोनों का हमें रेशो फाइंड करना है. तो अर्न कितना करती है? 1,50,000. इसको लिख लेंगे अकाउंट के ऊपर. सेव कितना करती है? सेव करती है 50,000. 50,000 को इस तरीके से लिख लेंगे अकाउंट के नीचे. सो देखिए ये 50,000, अब इसे हम कैंसिल कर लेंगे. 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा. अब देखिए इस 1,5 को आप 15 मान लीजिए. 5 से कैंसिल करेंगे इसको. 5 1 5 5 3 15. तो क्या आया रेशो? 3:1. इसका अनुपात कितना है? 3:1. अब देखते हैं इसका बी पार्ट. द रेशो ऑफ मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स. हमें फाइंड करना है रेशो दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स. सेव कितना करती है? 50,000. स्पेंड कितना करती है? 1,00,000. अब इसे कर लेंगे कैंसिल. 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा. 5 1 5 और ये 5 2 10. 1,0 को आप 10 मान लीजिए. 5 1 5 5 2 10. सो आंसर क्या आया? 1:2. सो आवर फाइनल आंसर इज 1:2 यानी 1:2. अब देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन.
There are 102 teachers in a school of 3300 students. Find the ratio of the number of teachers to the number of students. सबसे पहले 9th question के basis पे हम statements लिख लेते हैं. Number of teachers is equal to 102. Number of students is equal to 3300. कोई भी इंस्टीट्यूशन में यह हमें दिया गया है कि 102 टीचर्स हैं और 3300 स्टूडेंट्स हैं. हमें इनका रेशियो फाइंड करना है. तो बहुत ही सिंपल है. यहाँ पर हमें क्या करना है, 102 को अपॉन के ऊपर लिख लेना है और 3300 को अपॉन के नीचे लिख लेना है. अब लास्ट में 2 है और यहाँ पर लास्ट में 0 है, तो मैं इसे 2 से डिवाइड कर लूंगी. 2 5s are 10 और 2 1s are 2. अब इसे भी 2 से डिवाइड कर लेंगे. 2 1s are 2, 1 बच जाएगा, 1 और 3 13 हो जाएंगे. 13 2 6s are 12 कर लेंगे, फिर 1 बच जाएगा, 1 और 0 हो जाएगा 10. 2 5s are 10 और फिर 0. अब देखिए 3 के टेबल में 21 भी आता है, यूनिट प्लेस पे 1 भी आता है और 3 10s are 30 होता है, तो यूनिट प्लेस पे 0 भी आता है. तो यानी कि हम इन दोनों डिजिट्स को 3 से डिवाइड कर सकते हैं. सो ये हो जाएगा 3 1s are 3, बच जाएगा 2 और 2 और 1 कितने हो जाएंगे 21, यानी 3 7s are 21. इसे भी 3 से ही डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5s are 15, 1 5 15, 3 5s are 15 और 0 as it is. अब ये जो डिजिट्स हैं ये इससे ज्यादा आगे कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि 17 आ गया है और 17 एक प्राइम नंबर है. तो यहाँ पर हमारा फाइनल रेशो क्या हो जाएगा, 17:5:50, यानी 17:550. 17 जो है वो टीचर्स का रेशो बता रहा है और 550 यानी 550 जो है वो स्टूडेंट्स का रेशो हमें बता रहा है. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट्स 2300 आर गर्ल्स. फाइंड द रेशो ऑफ ए नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बी नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, सी नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने स्टेटमेंट्स को लिख लिया है. आप भी इसी तरीके से क्वेश्चन के बेसिस पे पहले स्टेटमेंट्स को जरूर लिखें. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 4320. एक कॉलेज में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 4320, 4320. नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है, 2300. तो गर्ल्स की अगर संख्या 2300 है, बाकी संख्या किसकी होगी, बॉयज की. तो हम बॉयज को भी यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं जो हमें आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा. सो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, 0 0 0, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2. अब इसे इरेज कर लेंगे और हमें पता लग गया कि बॉयज कितने हैं, 2020. अब हम इसके ए पार्ट का आंसर फाइंड करते हैं. सो ए पार्ट में हमें कहा गया था कि हमें रेशो फाइंड करना है, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. गर्ल्स और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशो हमें फाइंड करना है. तो गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है 2300, इसे लिख लेंगे ऐसे ऊपर, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 4320. 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पीछे 0 है और 2 है तो इसे मैं 2 से डिवाइड कर लूंगी. तो ये हो जाएगा 2 2s are 4, 2 1s are 2 और 2 6s are 12. इसे भी कैंसिल करेंगे 2 से ही, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 3 में से 2 को माइनस कर देंगे, 1 बच जाएगा, 1 और 0 हो जाएंगे 10, 2 5s are 10. अब हमारे पास क्या आ गया, 115 और 216. ये जो डिजिट्स है 115 और 216, ये किसी एक के टेबल में नहीं आते हैं, कैंसिल नहीं हो सकता आगे, इसीलिए हम 115:216 यानी 115:216. अब देखते हैं इसका बी पार्ट. बी पार्ट में हमें कहा गया है द रेशो ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी बॉयज और गर्ल्स की जितनी संख्या है उसका हमें रेशो फाइंड करना है. इसीलिए मैंने अभी नंबर ऑफ बॉयज जो है पहले ही फाइंड कर लिया. सो बॉयज कितने हैं, सबसे पहले बॉयज लिखा है तो बॉयज कितने हैं, 2020 अपॉन गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है 2300.
जीरो से जीरो कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पर टू है यहाँ पर जीरो है तो इसे हम टू से ही डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा टू वन जा टू, ये जीरो और टू वन जा टू, इसे भी टू से डिवाइड करेंगे, टू वन जा टू, टू वन जा टू और टू फाइव जा टेन, ये आ गया 101 अपॉन 115। ये नंबर्स एक ही टेबल से नहीं कैंसिल होंगे तो इसलिए हम इसे यहीं पर आंसर अपना खत्म कर लेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 101:115 यानी 101:115। सी पार्ट में हमें रेशो फाइंड करना है, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो बॉयज का और टोटल स्टूडेंट्स का हमें रेशो फाइंड करना है। बॉयज कितने हैं 2020 अपॉन टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 4320 4320। सो इसे हम कैंसिल कर लेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर दोनों जगह यूनिट प्लेस पर टू है तो टू से ही डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा टू वन जा टू, जीरो टू वन जा टू, फिर हो जाएगा टू टू जा फोर, टू वन जा टू और टू सिक्स जा ट्वेल्व। अब हमारे पास आ गया 101 अपॉन 216, ये दोनों ही किसी एक टेबल से कैंसिल नहीं हो सकते, सो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 101:216। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर 101:216। 101 हमें बॉयज का रेशो बता रहा है और 216 हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशो बता रहा है। सो इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो और प्रपोर्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। और आप हमें कॉमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।